तो फिर जो है लगातार हमारे ऐसे व्यूवर्स या फिर ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स जो लगातार हमें ये कमेंट्स कर रहे थे कि आखिरकार ये एक्सपो क्या है, क्या जो अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों में होने वाले एक्सपो में हमें जाना चाहिए, क्या एक्सपो में जाने से हमारा कोई फ़ायदा होगा। और जो है एक सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इंसेंस मीडिया की तरफ से बिहार पटना में 17-18 दिसंबर को अभी एक्सपो इंसेंस मीडिया एक्सपो होने वाला है। सोलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। और जो है एक लेटेस्ट जो है खबर आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। सो फिर सबसे पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो इंसेंस मीडिया एक्सपो है, जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग ये कमेंट्स कर रहे थे कि आखिरकार ये एक्सपो क्या होता है और यहाँ क्या चीज़ें होती हैं जिससे हमें फ़ायदा मिल सकता है या फिर नहीं। और काफ़ी सारे लोगों के ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से कमेंट्स आए कि आखिरकार ये एक्सपो में क्या होता है, यहाँ हमें जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। सो ऐसे तमाम जो हमारे व्यूवर्स हैं या फिर सब्सक्राइबर हैं, उनके काफ़ी सारे कमेंट्स थे। सो इनके बेस में एक छोटा सा अपडेट कि आखिरकार एक्सपो में होता क्या है और इंसेंस मीडिया क्या है। सो फिर सबसे पहले हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि आखिरकार ये इंसेंस मीडिया है क्या। जैसे कि अभी एक साल पहले आपने देखा होगा तो IMA में ये एक एक्सपो हुआ था जो कि बेंगलोर में किया गया था, और उसी के साथ जो है अभी का इंसेंस मीडिया एक्सपो जो है होने वाला है बिहार के पटना शहर में, जो कि अभी 17-18 दिसंबर को लगभग ये पूरा जो है एक्सपो की जो प्लानिंग है वो हो चुकी है, और 17-18 दिसंबर से ये जो प्रोग्राम या फिर एक जो प्रोसेस है वो होने वाला है। अब इसके साथ में जो है सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार ये इंसेंस मीडिया क्या है। इंसेंस मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलग अलग तरीके से जो बिजनेस या फिर जो फ्रेगनेंस सुगंध से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनका देखा जाए तो इन सब चीज़ों को लेकर एक ऐसे ग्रुप्स हो या फिर मैं बोलूँ तो एक ऐसी कम्युनिटी जिसे बोला जाता है। सो फिर इन सारे जो हमारे भारत में जो फ्रेगनेंस अगरबत्ती इंडस्ट्री मशीनरी परफ्यूम्स बनाने वाले या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पाउडर्स केमिकल्स, इन सारे जो अलग अलग जो ब्रांड ओनर्स हैं या फिर ट्रेडर्स हैं या फिर डीलर्स हैं या फिर मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये देती हैं जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स का एज अ मैं बोलूँ तो प्रमोशन हो गया या फिर एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेकर जो चीज़ें चलती हैं मार्केट्स में कि ये हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट्स हैं, इसको हमें इंडिया लेवल पे मतलब भारत के जितने भी जगहों तक जो है प्रमोशन करनी है। और सपोज़ मैं एक ब्रांड ओनर हूँ, श्री राम के नाम से मेरा प्रोडक्ट है, और मैं जो है अपने प्रोडक्ट को जैसे कुछ इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को मैं जो है एक सिटी से लेके अलग अलग सिटी तक लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, और हमारे प्रोडक्ट के बेस में लोगों को एक बेसिक जो डिटेल्स है हमारे प्रोडक्ट की जो वैल्यू है या फिर जो सर्विसेज हैं इसके बारे में मैं अगर बताना चाहूँ तो ये काम किस तरीके से होगा। तो यही जो चीज़ है इसे इंसेंस मीडिया के थ्रू जो है आपके प्रोडक्ट को बूस्ट मीन्स आपके प्रोडक्ट को एक ऐसा प्रोसेस देगी जहाँ पे अलग अलग तरीके से लोग आएंगे और आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे समझेंगे और आपके बिजनेस के बारे में भी जानेंगे। इसी तरीके से तमाम सारी कंपनियां होती हैं, जैसे मैंने अभी अगरबत्ती की बात की, उसी तरीके से मशीनरी हो गया, परफ्यूमरी हो गई या फिर रॉ मटेरियल सप्लायर हो गए, ट्रेडर्स हो गया, डीलर्स हो गए, या फिर एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को अलग अलग शहर या फिर अलग अलग लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में आप बता सकते हैं। यही काम जो है करवाती है इंसेंस मीडिया। और जो है आगे हम बात करें तो इंसेंस मीडिया के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर वो है दीपक गोयल जी हैं, जहाँ तक मैं ये इस चीज़ों को जानता हूँ। तो और जो है एक दूसरा सवाल जो कि काफ़ी सारे हमारे व्यूवर्स ने ये कमेंट्स जो है किया था कि आखिरकार जो है इंसेंस मीडिया में जाने से हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है, तो इसके बेस में एक बेसिक जो नॉलेज है वो मैं आपको बता देता हूँ।
बेसिकली इनसेंस मीडिया जो ऐसे एक प्लेटफॉर्म के एक ऐसे माध्यम है जहाँ पे जो है बिजनेस से रिलेटेड, मतलब फ्रेगनेंस, खुशबू या फिर सुगंध से रिलेटेड जो हमारे बिजनेस है, अगरबत्ती बिजनेस। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगरबत्ती से रिलेटेड ही चीज़ें होती होंगी, इसमें जो ऊपर से नीचे तक जितने भी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, सपोज आपका मशीनरी हो गया, पैकेजिंग मटेरियल्स हो गए, या फिर ऐसे पाउडर्स, केमिकल्स, या फिर मैं बोलूँ तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि जो है एक ही जगह पे सारी चीज़ों का एक सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो फिर किसी एक चीज़ों के लिए अलग अलग शहरों में घूमने के बजाय अगर आप एक ही जगह पे चीज़ें अगर जाते हो, अवेंसेंस मीडिया में ही चले जाते हो, तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। आपको देखा जाए तो मशीनरी से रिलेटेड हो गया, या फिर पैकेजिंग मटेरियल, या फिर फ्रेगनेंस, परफ्यूम्स, या फिर एनी रॉ मटेरियल्स, इन सारे चीज़ों का जो है आपको एक जगह पे सॉल्यूशन मिल जाता है। और यहाँ पे ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं होता कि आपको यहाँ चले गए तो यहाँ से जो चीज़ें आपको खरीदनी ही पड़ेगी। एज अ आप इंक्वायरीज कर सकते हैं, एज अ नॉलेज लेके आ सकते हैं, फ्रेगनेंस, मशीनरी, पैकेजिंग मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, इसके बारे में बेसिक डिटेल आप जान सकते हो। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और इससे चीज़ें ये फायदा जो है हो जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप अभी जो 17 या 18 दिसंबर को अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही होने वाली है, और अगर आप पटना के आसपास हो या फिर आप जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, बिल्कुल नॉलेज गेन कीजिए और कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो फिर जो है यही था आज का ये हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने इनसेंस मीडिया के बारे में आपको बताने की कोशिश की, और ये अभी जो है 17-18 दिसंबर को बिहार के पटना शहर में होने वाला है। अगर आपके पास टाइम है, समय है या फिर एक अच्छा मौका है, आप ज़रूर विजिट कीजिए, जाइए, और वहाँ से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर चीज़ें जो है सीखने को मिलेंगी। मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।